माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने मास्टर कैडर का फॉर्म फिल किया है और आपके फॉर्म में गलती हो गई है तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप करेक्ट नहीं कर सकते और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है मास्टर कैडर की या ETT की, उसके लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड, आप इस पर विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद यहाँ पर लिंक्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो फोर्थ लिंक है लेटेस्ट रिक्वायरमेंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स ओपन हो जाएंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम मास्टर कैडर के रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड लिंक मास्टर कैडर का है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हमने न्यू रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको बताना है कि अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं गलती हो जाए तो कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप ठीक नहीं कर सकते। सो यहाँ से आप गाइडलाइंस रीड कर दीजिए और यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। सो देखिए जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये जो आपका फॉर्म यहाँ पर सामने डिस्प्ले हो रहा है, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आप 10th लेवल तक पंजाबी पास्ड हैं या नहीं है, PS टेट आप क्वालिफाई हैं या नहीं है, और उसके बाद कि आप सर्विंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेगुलर हैं या नहीं है। ये जो यहाँ पर फील्ड्स मैं आपको शो कर रहा हूँ, अगर इसमें आपने कोई भी गलती कर दी और आपने रजिस्टर पर क्लिक कर दिया तो आप कोई भी इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन एक आता है कि अगर हमने इसमें करेक्शन करनी है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको बोर्ड जाना होगा, मोहाली PSEB बोर्ड जो ये कंडक्ट कर रहा है इस बार का आपका एग्ज़ाम मास्टर कैडर और ETT, वहाँ पर आपको जाकर जो भी प्रोसेस है फर्दर प्रोसेस आपको वो गाइड कर देंगे। अगर हम बात करें इनकी हेल्पलाइन नंबर्स की, PS टेट के हेल्पलाइन नंबर्स की, उसमें भी अगर आपका कोई भी करेक्शन वगैरह वो भी आप वहीं जाकर कर सकते हैं, बिकॉज उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है। तो मास्टर कैडर का भी सेम यही प्रोसेस है कि आप वहाँ जाकर जो भी आपकी मिस्टेक्स हो गई हैं, तो ये जो स्पेशल मैंने आपको मिस्टेक्स बताई जो आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल करते हैं, तो इसको टाइमली ठीक करवा लीजिए। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपकी वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट की तब भी करेक्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी पोस्टें काफ़ी कम है, बाद में इशू हो सकता है। सो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा जिन कैंडिडेट्स की मिस्टेक्स हो गई हैं और अभी तक वो करेक्शन पैनल का वेट कर रहे हैं कि उसमें ये ठीक हो जाएगा, उसमें ये करेक्शंस वगैरह नहीं होती, उसमें सिर्फ आपकी ईमेल आईडी और आपका मार्शल स्टेटस हो गया, उसके बाद आपका जो भी आपने मार्क्स वगैरह अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग फीड किए थे वही आप उसमें करेक्ट कर सकते हैं, बाकी ये वाली डिटेल्स वहाँ चेंज नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था कि हमारा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, मदर्स नेम में गलती हो गई है, फादर्स नेम में गलती हो गई है, एक हमसे करेक्टर गलत फिल हो गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, उसके रिगार्डिंग मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, बहुत कैंडिडेट्स को ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और उसका सोल्यूशन उनको नहीं मिल रहा, तो मैंने आपको ये सोल्यूशन बता दिया इंक्लूडिंग PS टेट भी। उसके रिगार्डिंग और भी आपकी कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन होता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्युएबल टाइम।